अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, आई होप द फिनिश इज द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपने फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रीवियस वीडियोस बहुत सीरियसली अटेंड किया होगा और हर एक वीडियो लेक्चर के लिए मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सारे नोट्स को अपने कॉपी पर लिख लिए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आप में से कोई फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रीवियस वीडियोस नहीं अटेंड किया है और उसके नोट्स नहीं लिखा है, देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रीवियस वीडियोस बहुत सीरियसली अटेंड करने चाहिए और नोट्स लिखने चाहिए आपको। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत सारे बेसिक्स बताए हैं और वो सारी बेसिक बातें इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रीवियस वीडियोस बहुत सीरियसली अटेंड करिए और उसके नोट्स लिखिए, फिर आप सेकेंड चैप्टर पे मूव करिए। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप यू विल बी वेल फैमिलियर ऑफ दिस टर्म, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जब भी कभी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए, देन एटलीस्ट व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस टर्म। तो अगर मैं कुछ आपको नया ना बताते हुए आपके प्रीवियस क्लासेस की कुछ बातें याद दिलाऊं, तो क्लास 9 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं और 11th क्लास में मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया था कि बहुत पहले 2 किंगडम, फिर उसके बाद 3 किंगडम, फिर उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसको R.S. Whittaker ने प्रपोज किया। तो R.S. Whittaker ने किया क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया और उन 5 मेजर कैटेगरीज को बोला गया किंगडम, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं किंगडम प्लांटी की। तो जितने भी प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। और अगर हम प्लांटी किंगडम के फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको क्लासिफाई किया गया डिविजन्स में, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और जो हायर प्लांट्स हैं उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोला गया या एंजियोस्पर्म में रखा गया, क्योंकि एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा या स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें कवर्ड सीड थे या सीड विद सीड कोट कह सकते हैं, उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोला गया। तो जब भी कभी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू विल मेक श्योर दैट ऑल दीज प्लांट्स आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स में भी फ्लावर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कोन्स बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। मैंने आपसे ये कहा कि अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करी जा रही है इसका मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। एंड राइट एट द बिगनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द NCERT, दैट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दुनिया के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। NCERT ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस में लिख दिया है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होगा। बाद में हम समझ पाएंगे इसको, तभी तो इसमें सीड बनते हैं। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमने हायर प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला था, लेकिन वो एक डिफरेंट स्फीयर है, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होगा। अभी मैं इस टर्म पे दोबारा से वापस आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, एम्ब्रायोलॉजी ऑफ द प्लांट। इसके लिए आप एक जनरल नॉलेज का पॉइंट याद रख सकते हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड कि फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी ऑफ द प्लांट पंचानन महेश्वरी को बोलते हैं। पंचानन महेश्वरी को फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी ऑफ द प्लांट बोलते हैं।
ये अगर एक वन वर्ड क्वेश्चन आ गया कभी तो इसको आप आंसर कर सके, इसलिए मैंने बताया। तो दो इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द प्लांट पंचानन महेश्वरी, और हमने बताया कि सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में मोर देन 100 टाइम्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तब कंसीडर करते हैं जब उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रही हो, एक गैमेटोजेनेसिस और एक फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट ड्रामेटिक, द मोस्ट वाइटल और वी कैन से द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब हम उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं, या किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा होगा तब उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का डिफाइनिंग फीचर हो गया। फर्टिलाइजेशन होगा तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, नहीं होगा तो वो दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, कुछ भी हो लेकिन वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते कहां पे हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में। मैं एक छोटी सी बात आपको अभी इनिशियली बता देना चाहता हूं कि प्लांट्स के या फ्लावरिंग प्लांट्स के रेफरेंस में ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोशियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को गायनोशियम बोलेंगे। डिटेल में हमें इसको पढ़ना है लेकिन अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम। और एक इनिशियल टेक अवे पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और गायनोशियम फ्लावर में पाए जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि गैमेट बनेंगे भी फ्लावर में, गैमेट का ट्रांसफर भी फ्लावर में होगा, और फर्टिलाइजेशन भी फ्लावर में ही होगा, जायगोट का फॉर्मेशन भी फ्लावर में होगा, और फर्दर डेवलपमेंट भी कहां पे होगा? फ्लावर में होगा। यानी कह सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर में होगा, जैसे फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट्स फ्लावर में हो रहे हैं, तो इस बेसिस पे फ्लावर को हम साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोल सकते हैं। हमने आपको बताया कि डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होने की वजह से फ्लावर को हम साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर रहे हैं, या फिर ये प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट कंसीडर की जा सकती है। फ्लावर के और सारे यूजेस होते हैं, आप लव को, अफेक्शन को, अट्रैक्शन को, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक सिंबल की तरह इसको यूज करते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं और बॉटनी में फ्लावर का मतलब ये है कि फ्लावर को हम लोग साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट बोल सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं कि मैंने आपको तुरंत स्टार्टिंग में ही फ्लावर का स्ट्रक्चर बना दिया कि ये पार्ट्स होते हैं, ये फ्लोरल होल्स हैं, आपको याद रखने हैं। मैं आपको उस प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ के हर स्टेजेस में पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइम नई प्रोजेनीज प्रोड्यूस कर सकता है रैपिडली, लेकिन हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक सोफिस्टिकेटेड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योर होना पड़ता है क्योंकि उसमें गैमीट बनेंगे, ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन और आफ्टर अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने के बाद ही उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का बनना जो है वो डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन में ही हो पाता है जब वो मैच्योर हो जाएंगे या फिर फुली डेवलप हो जाएंगे। और अभी हमने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम और गायनोशियम फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के रेफरेंस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्लांट में जब तक फ्लावर नहीं बनेगा, मैच्योर नहीं होगा, तब तक उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी। और अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी तो फर्दर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात ही नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली आप सोचिए कि प्लांट्स जब इनिशियली ग्रो कर रहे होते हैं
इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमने एनाटॉमी में आपको पढ़ाया था लेवल क्लास में कि प्लांट्स में पहले मेरिस्टमेटिक ग्रोथ होती है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो है वो डिफरेंशिएट होने लगते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाने लगते हैं, और उसके बाद बंडल वैस्कुलर बंडल्स वगैरह जाइलम फ्लोएम वगैरह बनने लगते हैं, फिर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है इस तरीके से। तो प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में हमको फ्लावर देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब यह है कि प्लांट कुछ सर्टेन पीरियड में इनिशियली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होता। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक और बात आपको बताई थी कि बर्थ से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक के टाइम पीरियड को एनिमल के केस में जुवेनाइल और प्लांट के केस में इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो इसका मतलब यह है कि बर्थ से मैच्योरिटी के बीच में प्लांट का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव फेज, और हो सकता है इसमें आपको फ्लावर देखने को ना मिले। तो उस टाइम पे ये प्लांट जो है जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोल रहे हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। और आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, और जब फर्स्ट फ्लावरिंग होगी उसके पहले के ही टाइम फेज को हम लोग वेजिटेटिव फेज बोल रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ही फ्लावरिंग होगी, उसके बाद प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होगा। तो प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होती है उसके बहुत पहले प्लांट्स में बहुत सारे चेंजेस इनिशिएट होते हैं। मस्ट बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, प्लांट में स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस इनिशिएट होते हैं which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Floral primordium word आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है, floral primordium का मतलब होता है group of cells और tissue जो flower बनाने वाली हैं या flower बनाएंगी, उस group of cells को या tissue को हम बोलते हैं floral primordium. And after that inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flowers. उसके बाद इन्फ्लोरेसेंसेस बनेंगे। इन्फ्लोरेसेंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो इस टर्म से, 11th क्लास में हमने बताया था आपको द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लावर ओवर अ प्लांट, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और वी कैन से इन्फ्लोरेसेंस इज अ नेम ऑफ मॉडिफाइड शूट विच इज दैट इज स्पेशलाइज्ड टू वियर फ्लावर्स, जिसपे एक मॉडिफाइड शूट है या स्टेम है जो स्पेशलाइज्ड है जिसपे फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, या अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे फ्लावर के, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंसेस बनेंगे, उसके बाद फ्लोरल बर्ड्स बनेंगे जिसको कली बोलते हो बहुत कॉमन शब्द में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्लोरल बर्ड। और फिर उसके बाद एक्चुअल फ्लावर बनेगा, मैच्योर होगा, फिर उसके बाद उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स स्टार्ट होंगे। तो एक बार आपको मैं फिर से रिकैप कराता हूं कि हमने ये बताया कि एक कोई प्लांट है, प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हुई प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, और फिर उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी प्लांट मैच्योर हुआ, और आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इसमें बहुत सारे हार्मोनल या कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट हुए जिसकी वजह से प्लांट्स में टिश्यूज या सेल्स डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गई, यानी इसमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन जो है इसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दी, या फिर जिसको हमने बोला टिश्यू, जो फर्दर क्या बनाएंगी फ्लावर्स, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज को मैंने बोला फ्लोरल प्रिमोर्डियम, इसको मैंने बोला फ्लोरल प्रिमोर्डियम। और फिर फ्लोरल प्रिमोर्डियम के बाद यहां पे हमने आपको बताया कि इन्फ्लोरेसेंसेस बनेंगे, एंड देन फ्लोरल बर्ड, और उसके बाद फाइनली क्या बनेगा फ्लावर, फ्लावर्स बनेंगे। तो प्लांट में ग्रोथ होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगा, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से प्लांट में टिश्यूज डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होंगी, और डिफरेंशिएशन के थ्रू ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी या टिश्यू बनेगा जो फ्यूचर में फ्लावर बनाएगा, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू को मैंने बोला फ्लोरल प्रिमोर्डियम, और फिर उसके बाद इन फ्लोरल प्रिमोर्डियम का अरेंजमेंट हुआ, और स्पेसिफिक अरेंजमेंट को मैंने बोला इन्फ्लोरेसेंस, और फिर उसके बाद फ्लोरल बर्ड, और फाइनली क्या बने फ्लावर बने। तो इस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देखिए कि फ्लावर के फॉर्मेशन में ये डिफरेंट चेंजेस
प्लांट्स में फ्लावर के बनने के बहुत पहले स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कि प्लांट्स में ये सारे जो चेंजेस हैं वो फ्लावरिंग के बहुत पहले स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक फ्लावर बनता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं इन सारी बातों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने आपको 11th क्लास में एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि प्लांट्स के दो मेन पार्ट कह सकते हैं हम, एक अंडरग्राउंड जिसको हम रूट सिस्टम बोलेंगे, और एक अबव ग्राउंड पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। तो जैसे अबव ग्राउंड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, एक अबव ग्राउंड पार्ट है जिसको हमने बोला शूट सिस्टम। तो ये जो शूट सिस्टम है या जो ये स्टेम है, इसकी खास करेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स। इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगे, नोड्स। ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। तो ये नोड और नोड के बीच में ये इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं केवल शूट सिस्टम में, या फिर कह सकते हैं स्टेम में या प्लांट की ब्रांचेस में, स्टेम की ब्रांचेस या शूट सिस्टम में। और ये भी हमने आपको बताया था कि प्लांट में जब इनिशियली प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, तो इस नोड्स पे जितने भी नोड्स होते हैं इस पे मेरिस्टमेटिक लैटरल प्रोट्यूबरेंसेस बनने लगते हैं, और इन प्रोट्यूबरेंसेस को मैंने बोला बड। तो यहाँ पे नोड्स पे बहुत सारे क्या दिखाई देंगे, बड दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये क्या है, सूट सिस्टम है, तो यहाँ पे नोड होंगे जगह जगह पे, और फिर उसके बाद नोड के बीच में इंटरनोड होंगे, और हर एक नोड पे जब ये प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही थी तो यहाँ पे लेटरल प्रोट्यूबरेंसेस बने, और उस ग्रुप ऑफ एरिस्मेटिक टिश्यूज को हमने बोला बड। और ये जो बड है ये नई लीफ बना सकती है, या फिर कह सकते हैं न्यू स्टेम या शूट, या फिर कह सकते हैं नई ब्रांचेस बना सकती हैं, एंड इट कैन ऑल्सो डेवलप इंटू अ फ्लावर। ये फ्लावर भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बड है, इसने क्या किया, इस तरीके से एक नई लीफ बनाया। इस बड से मान लीजिए ये एक नई ब्रांच इनिशिएट हुई, और अगर ये ब्रांच है तो ये भी शूट सिस्टम होगा, और इस पर भी नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, और यहाँ नोड्स पे इस पर भी क्या होंगे, बड्स होंगे। मान लीजिए इस बड से यहाँ से एक और ब्रांच निकली इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लीजिए ये भी स्टेम है, तो इस पर भी क्या होगा, इस तरीके से नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 नोड्स हो गए और इसमें इंटरनोड्स हो गए। तो जब प्लांट मेच्योर होने लगेगा, मैच्योरेशन पे हमने बताया आपको कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, तो ये जो स्टेम है या जो सूट बन रहा है या जो ब्रांच बन रही है प्लांट की, जो प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें एक ब्रांच मान लीजिए ये इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से कंप्रेस कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो अगर कॉम्प्रेस या कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नोड्स थे वो बहुत पास पास आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 ये नोड्स बहुत पास पास आ जाएंगे। मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए ये क्या है, स्टेम है या ब्रांच है, और यहाँ पे जगह जगह पे नोड्स और इंटरनोड्स हैं। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कंप्रेस या कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जो टर्मिनल पार्ट है ये बल्ज आउट हो गया, फूल गया, इस तरीके से स्वेलिंग हो गया। तो यही हमने बनाया है कि ये एक ब्रांच थी या स्टेम था जो कंडेंस होकर के इस तरीके से एक बल्ज पोर्शन बना लिया, टर्मिनल बल्ज पोर्शन। तो इसपे हुआ क्या, यहाँ पे ये जो टॉप मोस्ट नोड है, इस टॉप मोस्ट नोड पे यहाँ पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बना, और फिर उसके बाद ये जो थर्ड नोड है इस पे इस तरीके से मान लीजिए ये मेल सेक्स ऑर्गन बना, और फिर उसके बाद सेकेंड नोड पे यहाँ पे इस तरीके से कुछ कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हुए, और ये जो फर्स्ट नोड है इस पे यहाँ पे ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से इस पूरे ऊपर के तीनों फ्लोरल होल्स को इस तरीके से कवर कर लिया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये कवर्ड स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बोला फ्लोरल बड, इसको मैंने बोला फ्लोरल बड। और इस तरीके से इस
स्टेम या अगर हम ब्रांच की बात करें तो इस पर बहुत सारे इस तरीके से फ्लोरल बर्ड्स होंगे, इस तरीके से बहुत सारे क्या होंगे फ्लोरल बर्ड्स होंगे। ये जैसे ये फ्लोरल बर्ड है, जैसे डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स हैं उस तरीके से इसमें भी होंगे। तो ये जो फ्लोरल बर्ड्स का अरेंजमेंट है इस एक्सिस पे, हमने बोला कि ये जो फ्लोरल बर्ड्स का अरेंजमेंट है इस एक्सिस पे, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इसी अरेंजमेंट को मैंने बोला इनफ्लोरेसेंस। और ये जो बर्ड्स बन रहे हैं, फ्लोरल बर्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे इस स्टेम पे प्रेजेंट नोड से बने हुए होंगे ये नोड्स। और ये जो नोड है जो ये फ्लोरल बर्ड बनाएंगे, इस तरीके से जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरल प्रिमोर्डियम। तो ये जो एक्सिस थी प्लांट की, ये जो स्टेम था, इस पे जगह जगह पे ये क्या बनने लगे, इस तरीके से फ्लोरल प्रिमोर्डियम बने। और फ्लोरल प्रिमोर्डियम जो है, इनके अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, फ्लोरल बर्ड या फ्लावर्स के ग्रुप ऑफ सेल्स के अरेंजमेंट को हमने बोला इन्फ्लोरेसेंस। और इस इन्फ्लोरेसेंस पर ये फ्लोरल बर्ड बना। फिर होगा क्या कि जब ये फ्लावर मेच्योर होने लगेगा और ग्रोथ होगी इसमें, तो ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को कवर किया था, वो इस तरीके से एक्सपोज हो जाएगा और सारे फ्लोरल पार्ट्स इमर्ज आउट हो जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावर बोलेंगे। आप लोग प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं, हिबिस्कस का फ्लावर आपके आसपास मिल जाएगा या फिर रोज का फ्लावर मिल जाएगा, उसमें आप देखिए तो जो कली होती है उसी को मैं बोल रहा हूँ फ्लोरल बर्ड। तो कली वाले स्पेस में अगर आप देखेंगे फ्लावर को, तो फ्लोरल बर्ड वाले स्पेस में जिसको मैं कली बोल रहा हूँ, तो वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी। और अगर उस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को, लीफ लाइक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को आप हटाते हैं, तो उसके अंदर कुछ फ्लोरल पार्ट्स और प्रेजेंट होंगे कलरफुल, जो एक्सपोज होंगे, इमर्ज आउट होंगे। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लांट में ग्रोथ के टाइम पे, मैच्योरेशन के टाइम पे, अपने आप वो ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर हट जाएगा और डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स जो है वो इमर्ज आउट हो जाएंगे और एक मैच्योर फ्लावर बनेगा। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस तरीके से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने छोटी सी आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी। अभी मेरे पास फ्लावर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रैक्टिकली। आप लोग इसको देख सकते हैं अपने आसपास कहीं पे भी, अगर आपको हिबिस्कस का फ्लावर या फिर रोज का फ्लावर मिल जाएगा, उसमें मैरीगोल्ड मिल गया, उसमें आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं सारे पार्ट्स को। तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर ये जो फ्लोरल बर्ड है, ये आगे चल के बनाएगा फ्लावर। अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर ऑब्जर्व करें, मैंने आपको ये बताया कि जो फ्लोरल बर्ड है ये आगे चल के बनाएगा फ्लावर, क्योंकि ये जब ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये हट जाएगी तो फ्लोरल पार्ट्स एक्सपोज हो जाएंगे, इमर्ज आउट हो जाएंगे। तो अगर आप इसको इमेजिन करिए या फिर ऑब्जर्व करिए कि ये एक शूट या स्टेम है, ये जो ब्रांच निकली ये भी एक शूट या स्टेम होगी, और ये भी तो ये ब्रांच निकल रही थी जो कंडेंस हुई, तो ये भी एक स्टेम होगा या शूट होगा। बस इसमें क्या किया हमने, ऑल्टरेशन कर दिया, चेंज कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। और ये जो मॉडिफिकेशन है इसकी वजह से फ्लावर बन रहा है, लेकिन है तो फ्लावर एक स्टेम ही, एक शूट ही, सिर्फ उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इस बेसिस को, फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट बोलते हैं या फिर इसको हम मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, ये जो फ्लावर है ये इस स्टेम से के मॉडिफिकेशन से बना हुआ है, इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं मॉडिफाइड शूट या मॉडिफाइड स्टेम। तो आप अगर ये समझें कि मान लीजिए ये एक स्टेम था, इसमें हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया तो ये कंडेंस हो गया, ये टर्मिनल पार्ट बल्ज आउट हो गया, और इस टर्मिनल पार्ट पे जो नोड्स थे वो कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से पास पास आ गए, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैनर में अरेंज हैं, और नोड के चारों तरफ बर्ड्स हैं, और उस बर्ड से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके से नॉर्मल स्टेम होता, नॉर्मल नोड्स होते, तो नोड से नॉर्मल लीव्स निकलती, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, जिसकी वजह से नोड्स भी क्या हो गए होंगे, मॉडिफाई हो गए होंगे, और नोड्स से प्रेजेंट बर्ड्स भी क्या हो गए होंगे, मॉडिफाई हो गए होंगे। लेकिन बर्ड्स का काम है कि नई ब्रांचेज या नई लीव्स बनाना। तो अब इस पर्टिकुलर स्टाइलन या बल्ब पोर्शन पे जो नोड्स होंगे उस पे जो बर्ड्स होंगे वो मॉडिफाइड बर्ड्स होंगे, और वो जो लीफ बनाएंगे उसको हम लीफ ना बोल करके लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फिर कलरफुल, फिर उसके बाद ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये चारों के चारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं
1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों फ्लोरल पार्ट्स मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ये चारों के चारों फ्लोरल पार्ट्स मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। अभी बाद में हम इसको समझ लेंगे कि इसको सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। तो ये सारे फ्लोरल पार्ट्स मॉडिफाइड लीव्स हैं क्योंकि फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है या शूट है और इस पे जो मॉडिफाइड नोड्स हैं उससे जो लीव्स निकल रही हैं वो क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बोली जा रही हैं और उनको स्पेसिफिक नेम देते हैं हम लोग बस। लेकिन फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम या शूट है और इस पे फ्लावर के जो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि जो फ्लावर है एक्चुअली एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें डिफरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स अकर होंगे वो कैसा दिखता होगा या फिर इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरल पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेंगे और कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नीचे इस तरीके से एक स्पेलन पोर्शन था क्योंकि हमने आपको बताया कि ये मान लीजिए एक स्टेम था जिसको हमने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया, कॉम्प्रेस किया, जिसकी वजह से ये जो अपर पोर्शन है या जो टर्मिनल पार्ट है वो बल्ज आउट हो गया। तो इस बल्ज पोर्शन को, ये जो टर्मिनल पार्ट है इसको मैंने बोला थैलमस या इसी को बोलते हैं रिसेप्टिकल। और ये जो एक्सिस है जिसपे ये थैलमस है इसको मैंने बोला पेडिसिल, इसको बोलते हैं पेडिसिल। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये एक स्टेम था जिसपे चार नोड्स थे और कॉम्प्रेशन या इसके कंडेंस होने की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ये जो नोड्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4 ये पास पास आ जाएंगे और ये जो नोड्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक मैनर में प्रेजेंट होंगे। एक बार फिर से इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, मैंने बोला कि ये स्टेम है, हमने इसको क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया जिसकी वजह से यहां पर यह थैलमस या रिसेप्टिकल बन गया और इस थैलमस पे चार नोड हैं और ये चारों नोड्स बहुत पास पास हो गए इसके कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे कि एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे, इस तरीके से चार नोड जो हैं इस थैलमस के चारों तरफ होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैनर में। तो ये चारों तरफ नोड्स के चारों तरफ क्या होंगे, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो है इधर बर्ड्स प्रेजेंट होंगे और मैं यहाँ पे 3D व्यू नहीं बना पा रहा हूँ, इसके पीछे चारों तरफ जैसे कि यहाँ पे चारों तरफ नोड होगा तो चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे और हर एक बर्ड से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगी। तो अगर हम इस पार्ट को थैलमस बोल रहे हैं, अगर हम इस पार्ट को थैलमस बोल रहे हैं तो थैलमस के चारों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से इमर्ज आउट होंगे, इस तरीके से चारों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज आउट होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नोड है इस पे इस तरीके से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है चारों तरफ निकलेंगे। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट नोड पे या फर्स्ट फ्लोरल होल्स बोला जा रहा है इसको मैंने बोला सेपल और ये सेपल चारों तरफ होंगे तो इस ग्रुप ऑफ सेपल को मैंने बोला कैलिक्स, इस ग्रुप ऑफ सेपल को मैंने बोला कैलिक्स। और ये जो कैलिक्स हैं आप फ्लावर को देखोगे तो सबसे नीचे वाले नोड पे प्रेजेंट होंगे और चारों तरफ इस तरीके से ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई होंगी, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली होंगी। तो इस फ्लोरल पार्ट, ये जो थैलमस है इसके नीचे ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को मैंने सेपल बोला और चारों तरफ सारे सेपल्स के ग्रुप को मैंने बोला कैलिक्स। तो कैलिक्स की यूनिट को क्या बोल सकते हैं, सेपल बोल सकते हैं। और अभी हमने बताया कि ये ग्रीन कलर की होंगी, बीइंग क्लोरोफिलस ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगी, ये फूड सिंथेसाइज करेंगे फॉर द डेवलपिंग फ्लोरल बर्ड और वी कैन से फॉर द डेवलपिंग फ्लावर। और इनिशियल स्टेजेस में जब फ्लोरल बर्ड स्टेज होगा तो बर्ड स्टेज में ये इसको प्रोटेक्ट भी करेगा डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को, जैसे कि आप एक कली को देखें, फ्लोरल बर्ड को देखें तो वो पूरी तरीके से उसको कवर किया रहता है इस तरीके से डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को। तो ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सेपल्स हैं, जो कैलिक्स हैं, वो बर्ड स्टेज में फ्लोरल डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगे। फिर उसके बाद ये जो सेकेंड नोड है, इस सेकेंड नोड पे इस तरीके से कुछ कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे और इन कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर को मैंने बोला पेटल और ग्रुप ऑफ पेटल, ये भी थैलमस के चारों तरफ प्रेजेंट होगा। तो
एक पेटल, दो पेटल, इस तरीके से बहुत सारे पेटल चारों तरफ निकलेंगे और इस पूरे ग्रुप ऑफ पेटल्स को मैं बोल रहा हूं कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलेंगे? कोरोला। और ये जो कोरोला है, अभी हमने आपको बताया कि ये कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के, किसी पर्टिकुलर प्लांट के जो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं, उनका यूनिक फ्रेग्रेंस और यूनिक शेप होता है, तो वो इस पेटल की वजह से ही होता है, या पेटल से या कोरोला की वजह से होता है। यानी कह सकते हैं द मोस्ट फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर क्या है? कोरोला। ये कलरफुल होगा, यूनिक फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेगा और देखने में फ्लावर जो जितना बहुत ज्यादा जो ब्यूटीफुल फ्लावर है वो अपने पेटल से कोरोला की वजह से ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा या फिर इसकी यूनिक शेप या फ्रेग्रेंस होगी, यानी प्लांट को सुंदर बनाएगा, ये फ्लावर को सुंदर बनाएगा। और दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें होती हैं वो किसी न किसी को धोखा देने के लिए बनी होती हैं। तो नेचर ने फ्लावर में इस ब्यूटीफुल चीज को भी किसी को धोखा देने के लिए बनाया है। और आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो डिफरेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स या हनी बीज की अगर बात करें, तो वो फ्लावर पे विजिट करती हैं इस ब्यूटीफुल कलर ऑफ पेटल्स की वजह से, इस ब्यूटीफुल कलर ऑफ पेटल्स की वजह से जो यूनिक फ्रेग्रेंस होती है इसकी वजह से। और इस धोखे में प्लांट पॉलिनेट होते रहते हैं डिफरेंट फ्लावर्स पे, ये जाते रहेंगी मधुमक्खियां तो या इंसेक्ट्स तो। वो अलग बात है कि प्लांट्स जो होते हैं इस काम के बदले में कुछ रिवॉर्ड ऑफर करते हैं, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी बात आपको ये वाली याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि जो पेटल्स हैं या कोरोला जो है, ये किसी भी फ्लावर को यूनिक फ्रेग्रेंस देंगे, यूनिक शेप और साइज देंगे, यूनिक कलर देंगे, और इनका फंक्शन क्या होगा? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर द पॉलिनेशन। तो ये दोनों फ्लोरल पार्ट्स हमने आपको बताए। और फिर उसके बाद यहां पे थर्ड नोट पे, इस थर्ड नोट पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। एक ये वर्सेटाइल एलोंगेटेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से ये वर्सेटाइल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैंने बोला फिलामेंट, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है इसके दो एंड होंगे, एक ये और एक ये। इस एंड को हम प्रॉक्सिमल एंड और इसको डिस्टल एंड बोलेंगे वो इसके रेफरेंस में। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलेमस से अटैच्ड होगा और जो डिस्टल एंड है इस फिलामेंट का, ये इस तरीके के एक बाइलोब स्ट्रक्चर से अटैच्ड होगा और इस बाइलोब स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं एंथर। और इस पार्ट को, एंथर और फिलामेंट को मिला करके मैं बोल रहा हूं स्टैमेन। और इस तरीके से बहुत सारे स्टैमेन होंगे अगर आप इमेजिन कर पाए तो, जिस तरीके से इस थैलेमस पे बहुत सारे सेपल्स मिलकर के कैलिक्स बना रहे थे, बहुत सारे पेटल्स चारों तरफ मिलकर के कोरोला बना रहे थे, तो इस तरीके से एक ये वर्सेटाइल इलोंगेटेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला फिलामेंट, उस पे एंथर, फिर इस तरीके से ये चारों तरफ निकलेंगे। एक फिलामेंट और एक एंथर को स्टेमेन बोल रहे हैं और ग्रुप ऑफ स्टेमेन को मैं बोल रहा हूं एंड्रोसियम। और ये जो एंड्रोसियम है इसी को बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये एक पार्ट हमने और आपको बताया फ्लोरल पार्ट, यानी कि एंड्रोसियम या मेल सेक्स ऑर्गन। और यहां पे टॉप मोस्ट नोड पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे कि ये जो अपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में जिसमें फ्लावर रखे जाते हैं उस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा ये। तो ऊपर इस तरीके से एक सर्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा ये। इस सर्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पे आकर के पॉलन ग्रेन्स जो है वो लैंड करेंगे। तो ये जो सर्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द पॉलन्स, इसको मैं बोल रहा हूं स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये जो नीचे वाला जो साइलेंट बर्ड्स पोर्शन है इसको मैं बोल रहा हूं ओवरी। और ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में स्ट्रक्चर प्रिंट है इसको बोलते हैं स्टाइल। और इस स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके मैं बोल रहा हूं पिस्टल, या फिर इसको बोलेंगे कॉर्पल।
और ये जरूरी नहीं है कि ये जो पिस्टल और कॉर्पल है ये एक ही हो, ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, और ग्रुप ऑफ कॉर्पल या पिस्टल को बोलते हैं गायनोसियम। और ये जो गायनोसियम है, इस गायनोसियम को मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको हम बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अब ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें यहां पे कहीं बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो ओवरी है इसके अंदर की जो कैविटी है इसको ओवरियन लॉक्यूल या ओवरियन कैविटी बोलेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फर्टाइल पार्ट होता है इसको हम ओव्यूल बोलेंगे, इसके अंदर एम्ब्रायो सैक होगा और यहाँ पे बनेगा फीमेल गैमेट जिसको हम एग सेल बोलेंगे, और जो एंथर है इसके अंदर बनेंगे पॉलेंस जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बताए कि एक ये और ये कलरफुल, फिर इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेम है या जो ये सूट सिस्टम था ये एक्सेस थी प्लांट की, उसमें ये कॉन्स्ट्रिक्शन है कॉन्डेंसेशन की वजह से क्या हुआ, ये टर्मिनल पार्ट थोड़ा सा बल्ज आउट हो गया, इसको मैंने बोला थैलमस या रिसेप्टिकल, और इस एक्सेस को बोला पेडिसिल, और फिर इस थैलमस या रिसेप्टिकल पे फोर डिफरेंट फ्लोरल होल्स प्रेजेंट होंगे, और ये चारों नोड्स जो हैं इसमें ये जो सबसे नीचे वाला नोड है इसको फर्स्ट नोड बोलेंगे, इस पे ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको हम सेपल बोल रहे हैं, और ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स बोल रहे हैं। बीइंग क्लोरोफिलस ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगी, फूड सिंथेसाइज करेगी फॉर द डेवलपिंग फ्लावर, और बड स्टेज में प्लांट के फ्लावर के डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर्स को ये प्रोटेक्ट भी करेगी। और सेकेंड नोड पे यहाँ पे ये जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रिंट है इस एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे पेटल, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलेंगे कोरोला। और हमने आपको बताया कि ये यूनिक शेप और फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करने के लिए कलर के लिए होंगे फ्लावर में, और ये मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट होगा किसका, फ्लावर का, और इसका फंक्शन होगा टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स फॉर द पॉलिनेशन। फिर थर्ड नोट पे हमने आपको बताया कि ये एक स्टार्क इलांगेटेड वर्सेटाइल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बोला फिलामेंट, और इसका ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलमस से जुड़ा होगा, और ये जो डिस्टल एंड है ये जुड़ा होगा एंथर से, और एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के बोलेंगे स्टैमेन, और स्टैमेन के ग्रुप को बोलेंगे एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम को बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट पॉलन्स बनेंगे, उसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स। फिर मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट नोड पे ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसमें अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म लाइक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है सर्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको मैंने बोला स्टिग्मा, और ये जो नीचे वाला जो साइलेंट बल्ज पोर्शन है इसको मैंने बोला ओवरी, और ओवरी और स्टिग्मा के बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मैंने बोला स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला करके बोलेंगे पिस्टिल या कॉर्पल, और हमने बोला कि ये एक भी हो सकता है और कई सारे हो सकते हैं, अगर ग्रुप में होंगे तो इसको मैं बोल सकता हूँ गायनोसियम, और गायनोसियम को मैंने बोला फीमेल सेक्स ऑर्गन क्योंकि यहाँ पे कहीं फीमेल गैमेट्स बनेंगे जिसको हम बाद में देखेंगे कि इसको एग सेल या एग बोलेंगे। तो ये चारों डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स फ्लोरल होल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, होल्स का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में, और इसमें से ये जो कैलिक्स और कोरोला है, एक पार्ट ये कोरोला और ये दूसरा जो है कैलिक्स, इन दोनों पार्ट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल होल्स। और हमने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, तो हमें इस चैप्टर में इसको और इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक ये एंड्रोसियम जिसको मेल सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, और एक ये गायनोसियम जिसको फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, इन दोनों पार्ट्स को फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल होल्स को हम लोग बोलेंगे एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल्स ऑफ द फ्लावर, जो डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे या टेक पार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और किसी भी फ्लावर में अगर ये चारों स्ट्रक्चर, चारों कौन कौन से, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम और गायनोसियम, अगर चारों प्रेजेंट होंगे तब हम ऐसे फ्लावर को, मैंने बोला कि अगर किसी फ्लावर में कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गायनोसियम ये चारों पार्ट अगर प्रेजेंट होंगे, चारों फ्लोरल होल्स प्रेजेंट होंगे, तब हम ऐसे फ्लावर को बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। हमने आपको बोला कि कंप्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर को बोलेंगे जिसमें फोर होल्स प्रेजेंट हो, कौन कौन से, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गायनोसियम, और अगर
किसी फ्लावर में एंड्रोसियम भी प्रेजेंट हो और गाइनोसियम भी प्रेजेंट हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे बाई सेक्सुअल फ्लावर। बाई सेक्सुअल फ्लावर यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई सेक्सुअल फ्लावर। और अगर दोनों में से कोई एक है, अगर सिर्फ एंड्रोसियम प्रेजेंट है या स्टेमेंस प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम मेल फ्लावर या फिर स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। और अगर सिर्फ गाइनोसियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है यानी कि पिस्टिल अकेले प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन है, पिस्टिल या स्टेमेन, तो उसको मेल या फीमेल फ्लावर बोलेंगे, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। और ऐसे फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर एक फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों, तो बाइसेक्सुअल। और अगर सिर्फ एक प्रेजेंट होगा तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंड्रोसियम या स्टेमेन प्रेजेंट होंगे अगर, तो इसको स्टेमिनेट और मेल फ्लावर। और अगर इसमें गाइनोसियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन या पिस्टिल प्रेजेंट होगा अकेले, तो इसको पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर बोलेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि ये जो डिफरेंट फोर फ्लोरल होल्स हैं, ये जो चारों के चारों फ्लोरल होल्स हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स होंगी, मॉडिफाइड लीव्स होंगी, जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस, पेस्टिल्स या कॉर्पल्स, ये सब के सब क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, क्योंकि फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम या शूट है। तो इस पे नोड्स पे ये अगर बन रहे हैं तो नोड्स पे तो लीव्स बनती हैं किसके, ब्रांचेस के या फिर स्टेम्स के या सूट सिस्टम के। तो अगर मॉडिफाइड सूट है तो इसके नोड्स पे जो लीफ बनेंगी वो मॉडिफाइड लीफ होंगी, इनको हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस और पिस्टिल्स या कॉर्पल्स। तो ये सारे के सारे चारों जो अभी हमने आपको नाम बताए, ये सब क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। और फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है या मॉडिफाइड शूट है। और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो बाइसेक्सुअल, और एक होगा तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाएगा। और अगर चारों फ्लोरल होल्स हों, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तब ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे कंप्लीट टिपिकल फ्लावर। तो एक बार आप इस पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज स्टेमेन से।